हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है, ये दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इसमें क्या एलिजिबिलिटी बताई हुई है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताए जाएँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB है, पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS है, टोटल पोस्ट है 567 पोस्ट है, अटैच नंबर 03/20/24 है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो आपकी 18,000 से 56,900 रुपये रहने वाली है। जॉब लोकेशन दिल्ली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 मार्च 2024 है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट @dssb.delhi.gov.in है। यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 8/2/2024 है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 8/3/2024 रहने वाली है। यहाँ जो एज लिमिट है वो आपकी 8/3/2024 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर, मैक्सिमम एज है वो आपके 27 ईयर रहने वाली है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व OBC EWS की 100 रुपये फ़ीस है। SC ST फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पोस्ट कोड आपका 812/24 है और पोस्ट नेम MTS है। क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उनको भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की आपकी यहाँ पे 194 पोस्ट हैं जिन्हें कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह सोशल वेलफेयर की आपकी 99 पोस्ट है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की 86 पोस्ट है। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस की आपकी यहाँ पे 64 पोस्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट की आपकी 32 पोस्ट है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की आपकी यहाँ पे 16 पोस्ट है। DSSB की आपकी यहाँ पे 13 पोस्ट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रीट्स की आपकी 13 पोस्ट है। प्लानिंग की आपकी 13 पोस्ट है। डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग UTCS की आपकी 12 पोस्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग की 7 पोस्ट है। अर्थोलॉजी की आपकी 6 पोस्ट है। लो जस्टिस एंड अफेयर्स की 5 पोस्ट है। डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट की 4 पोस्ट है। दिल्ली अचीव्स की आपकी 3 पोस्ट है। इस तरह जो आपकी टोटल पोस्ट है वो आपकी 567 पोस्ट है। यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ आपका जो DSSB जो पेपर है वो आपका एग्जामिनेशन ट्रायल फर्स्ट होगा। और इस पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम का वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 मार्क्स की रहने वाली है। और यहाँ जो एग्जाम कोड है, ड्यूरिंग टाइम है, टोटल क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो IPG 1 TEL यहाँ पे जनरल के आपका एग्जाम कोड रहने वाला है और टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन है 200 और टोटल मार्क्स हैं वो 200 आपके रहेंगे। यहाँ आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के आपके यहाँ 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स के रहेंगे। अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपकी यहाँ पे 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स के रहेंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्फरहेंशन के 40 क्वेश्चन 14 मार्क्स के रहेंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्फरहेंशन के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह जो आपके टोटल क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन और 200 इनके मार्क्स रहने वाले हैं। एंड जो भी कैंडिडेट DSSB MTS ऑनलाइन फॉर्म के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।